नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सागर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते हाथों में मेहंदी लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी दो दिवस की मांगों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सत्यानगर के सीता सागर स्थित संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी दतिया संघ के द्वारा लगातार हड़ताल जारी करते हुए शुक्रवार दोपहर 12 बजे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी महिलाओं के द्वारा हाथों में मेहंदी से नारे लिखकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जानकारी देते हुए बताया कि आज अपने हाथों में मेहंदी से ये स्लोगन लिखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी जागें और थोड़ा ना आने से पहले में परमानेंट करें, जिससे हम कोरोना वॉरियर्स बनकर बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। और उसमें लिखा है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो हम सबको नहीं, चंबल से आवाज उठी है, आवाज उठी है चंबल से, जागो मामा कंबल से, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, मामा जी के कान तक आवाज नहीं जा रही, इसलिए हम लोग मेहंदी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कोरोना खत्म होने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अब दोबारा कोरोना की वापसी आ रही है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए कहना चाहेंगे कि कोरोना आने से पहले हम लोगों को नियमितीकरण का लेटर थमा दिया जाए और नीति जो 2018 में लागू की बोला गया था, आश्वासन दिया गया था, उसको लागू करें और हम लोग अपने फटाफट काम के लिए तैयार हो जाए और फिर से बैरियर बन के कोरोना के सामने खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? मालक सचान। मुझे 9 साल हो गए।